राधे, और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी 4 बजे का टाइम है और मैं इधर चाय बना रही हूँ श्याम की, ये देखिए। और मैं श्याम की चाय 4 बजे ही बनाती हूँ। और निहाल के पापा ड्यूटी से आए हैं अभी, तो वो नहा रहे हैं और मैं चाय बना रही हूँ। और बच्चे अभी ट्यूशन से नहीं आए हैं, बच्चे आने वाले हैं, वो 4:30 बजे तक आ जाएंगे। तो ये देखिए चाय मेरी बन गई है, खदका लग चुका है चाय में, ये देखिए। और ये है लोटा, और इस लोटे में है मलाई, ये देखिए। और आज ना मैं इस मलाई को उतार के नहीं रख रही हूँ, मैं इसमें ही चाय करके दे दूँगी, क्योंकि आज मैंने ना दूध ये गर्म कर दिया ना अभी, तो मलाई सारी बहेगी तहेगी, इसलिए ना मैं चाय भी मलाई में डाल के दे दूँगी आज। और बच्चे आएंगे थोड़ी देर में, ये देखिए दोस्तों हमारी मलाई मार के चाय तैयार है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों हमारे बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, और ये देखिए अभी कैसे खेल रहा है, क्या है बोल है, ये बोल है, छोटी छोटी बोल है, देखिए बच्चा बन रहा है, बच्चा छोटा सा वाली वाली बोल। और निहाल देखिए आते लग गया है फोन में, ये देखिए। और आदि हमारा अच्छा बच्चा है, बोल से खेल रहा है, छोटी छोटी बोल आदि की माली वाली है, प्यारी प्यारी सी है। अभी दिखाओ हाथ में, दिखाओ ना आदि हाथ में, लोग दिखाओ, बस बस बस, ये देखिए कितनी प्यारी है, गेर के भाई देखिए अंगूर कती, ये देखिए टिंग निंग 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 निंग, अरे ये तो उड़ गई सारी, वो में उड़ गई, एक तो ये देखिए आदि कैसे खेल रहा है इनसे, आजा हेलो। और अब हम आ गए हैं किचन में, और आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल, ये देखिए ये वाली दाल बना रहे हैं, मसूरी की लाल वाली दाल। कभी कभी बनाते हैं तो अच्छा लगती है, अच्छी लगती है। और वैसे भी आज बहुत दिन में बना रही हूँ, ये देखिए लाल वाली दाल है, और ये मैं लहसुन पीट रही हूँ, कूट रही हूँ, अदरक कूट लेना, और ये टमाटर, और क्या बोलते हैं टमाटर और प्याज काट दिया मैंने, और ये लहसुन इसमें कूट दूँगी। बनाऊंगी चटपटी दाल, और लाइट आज आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं कैरम, और कभी कभी कोई चीज बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए आज मन था कि आज दाल बनाऊं। आज सुबह से कोई सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाया था, बस आज सुबह ऐसे ही काम चल गया बिना सब्जी के, तो अब मैं दाल बना रही हूँ, और लाइट भी नहीं है अब, तो सोचा जल्दी बना लूँ थोड़ा, लाइट अगर लेट होगी तो अंधेरे में खाना बनाने में दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं जल्दी बनाने लग गई हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे, और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और देखिए सुबह का टाइम है, यानी कि मॉर्निंग का टाइम है, और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि संडे का दिन है, तो मैं लेट उठी थी सो के, और दूध भी आज निहाल लेके आया है, और अभी 8:30 बजे का टाइम है, और मैं बच्चों के लिए चाय बना रही हूँ। और ये मैंने रोटी सेक दी है, बच्चे अगर खाएंगे चाय के साथ लेंगे तो एक एक ले लेंगे, नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, वैसे बना दी है मैंने, बच्चों का नाश्ता तैयार है। तो टाइम है अभी 12 बजे का, और आज हम बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं मिठाई, और आज हम इस ये वीटा का दूध है, सूखा दूध है पाउडर वाला, तो आज हम इसी की मिठाई बनाएंगे बच्चों के लिए। और ये दूध ले लिया है हमने गिलासी में, और ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, और गैस ऑन कर दी है, और इसमें हम और कुछ भी नहीं डालेंगे, ना चीनी ना बूरा, कुछ नहीं डालेगा इसमें, काजू बादाम कुछ भी नहीं, और हम इसकी मिठाई बनाएंगे, और देखिए किस तरह मिठाई बनाएंगे, बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है, तो बने रहिए हमारे साथ और एंड तक देखिए।
और हमने ये दूध छोड़ दिया है कढ़ाई में, और इसमें दूध के सिवा कुछ भी नहीं डलेगा, केवल आधा गिलास ही दूध ही डालेंगे इसमें, बाकी इसमें चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनती है, ये खाली आधा गिलास ही दूध से ही बनती है और काफ़ी नरम और टेस्टी मिठाई बनती है। और बनने के बाद मैं एक बार दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से बनके तैयार होती है। तो देखिए दूध गर्म हो चुका है, देखिए उबाल आ गया है दूध में, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये सूखा दूध, और सूखा दूध ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से चला देंगे कि इसमें गांठे पड़े नहीं, और उसके बाद ही हम इसको तैयार कर देंगे किसी प्लेट में निकाल के, या तो इसके गोले बना लेंगे छोटे छोटे, या फिर बर्फ़ी की तरह से जमा देंगे इसको। तो देखिए किस तरह से बनके तैयार होती है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी मिठाई बनके तैयार हुई है, और देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है, और एकदम सॉफ्ट बनी है, ये देखिए एकदम नरम है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, और काफ़ी अच्छी बन गई है नरम मिठाई, एकदम अच्छे से बनके तैयार हो गई। और कुछ मैंने ये गोले बना दिए हैं और कुछ ये पीस बना दिए हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी मिठाई बन के तैयार हो गई है। दोस्तों अभी तो दोपहर का 1:30 बज गया है और खाना मेरा तैयार हो गया है, और अब मैं चलती हूँ कमरे में, खाती हूँ खाना क्योंकि मुझे लगी हुई है भूख। आज जाके चल कर गेट बंद करता है, और निहाल कम्बल में लेटा है इधर, इसे ठंडी लग रही है और टीवी देख रहा है, और मैं अब खाना खाऊंगी। ये देखिए ये आलू बैंगन की सब्जी है, और ये दाल है, रोटी और अचार है, और मैंने सुबह आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, और सुबह मैंने कुछ बनाया नहीं था, बस सुबह चाय में ही काम चल गया था, और सुबह इसके पापा भी ड्यूटी गए थे आदि के, तो उन्हें तो 5 बजे बना के दे देता था क्योंकि वो 6 बजे चले जाते हैं घर से ड्यूटी, और सुबह से बस बच्चों को नहलाने धुलाने में थी आज, क्योंकि आज संडे है, तो वैसे तो बच्चे रोज़ अपने आप ही नहा लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज संडे है तो इन्हें अच्छी तरह नहला दूँ, तो आज मैंने इन्हें अपने हाथों से ही नहलाया है दोनों को। देखिए आज अभी तो चमक रहे थे मम्मी के हाथ से ना क्या, और बच्चों ने खाना खा लिया है और मैं भी खाना खा लेती हूँ, और ज़्यादा कुछ मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन कोई देखता है नहीं, चाहे लंबी हो या छोटी हो देखा कोई नहीं, पता नहीं कसम खा रखी है सबने के देखनी तो है ही नहीं, चाहे छोटी बना ले या बड़ी बना ले या कैसी बना ले, पर हम नहीं देखने वाले, तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़, वीडियो को देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Bye bye, bye bye.